आधार से निकल जाएगा पैसा, धोखे से हो जाइए सावधान। एक फिंगरप्रिंट पर आई दुनिया, लेकिन यही टेक्नोलॉजी आपको कर सकती है बर्बाद। अब बाजार कैश ले जाने की जरूरत नहीं, ना ही मोबाइल रखना है अपने पास। एक उंगली देगी अब दुकानदार को पैसा। जितना आसान हुआ जीवन, उतनी बढ़ानी होगी सतर्कता। आधार को आधार बनाकर ना कर दे कोई कंगाल, उससे पहले हो जाइए सावधान। दुनिया आ गई अब फिंगरप्रिंट पर। वैसे जब से स्मार्टफोन आया है तभी से दुनिया उंगलियों में है, लेकिन अब इससे भी कुछ एडवांस आ गया है जिसे सोचना भी मजेदार लगता है। वो अब हकीकत हो गया है। आप सोच सकते हैं हम बाजार जाएं, सामान की खरीदारी करें, पर हमारे पास ना कैश रहे ना ही स्मार्टफोन जिससे UPI से पेमेंट कर दे, आपके पास दूसरा कोई विकल्प मौजूद ना हो, ना ही उधार ले सकते हो। ऐसे में क्या करेंगे? बस करना ये है कि अपने फिंगरप्रिंट को आजमाना है, दुकानदार को फिंगरप्रिंट देना है और पैसा खुद ट्रांसफर हो जाए। ये पेमेंट कैसे होगा वो भी समझ लीजिए। व्यापारी को इसके लिए बैंक का मर्चेंट पेमेंट ऐप डाउनलोड करना होगा। पेमेंट के लिए वो ग्राहक की पहचान बायोमेट्रिक पेमेंट और आधार कार्ड नंबर के जरिए करेगा। जब ग्राहक फिंगरप्रिंट देगा और आधार वेरीफाई करवाएगा, तब दुकानदार पेमेंट की राशि डालकर ग्राहक के बैंक खाते से अपना पेमेंट ले लेगा। इससे कैश का झंझट खत्म। लेकिन कहते हैं ना, तकनीक ने जीवन आसान किया पर शरीर का रोग बढ़ा दिया। शारीरिक परिश्रम की जगह मशीन ने ले लिया। कुछ इसी तरह जीवन इससे आसान तो होगा, लेकिन आधार पर आधारित पेमेंट सिस्टम में फ्रॉड का खतरा भी अधिक हो जाएगा। अब भी ये फ्रॉड चल रहा है, यही कारण है सरकार इस फ्रॉड से कैसे बचा जाए इसे लेकर बैठक कर रही है। आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकालकर फ्रॉड लोगों को धोखा देते हैं। हाल ही में कई राज्य के पुलिस अफसर द्वारा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS को लेकर चेतावनी भी दी जा चुकी है। इससे बचने का भी तरीका है। आधार बेस्ड साइबर फ्रॉड से खुद को बचाने के लिए सबसे बेसिक और जरूरी काम ये है कि आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को हमेशा अप टू डेट रखें, यानी नंबर एक्टिव रहे। अगर नंबर बंद हो गया है तो फौरन नए नंबर को आधार के साथ लिंक कराएं। आधार बेस्ड फर्जी ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए जरूरी है कि आप अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर दें। ये कैसे होगा तो बता दें, ये आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए आपको अपने नंबर से OTP को एंटर करना होगा, जिसके बाद डैशबोर्ड पर बायोमेट्रिक लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एक और जरूरी आदत ये होनी चाहिए कि आप अपने आधार के पिछले प्रयोग का इतिहास देखें। आधार संबंधित साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए ये जरूरी आदत होगी। इसके लिए आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से हिस्ट्री देख सकते हैं। अगर आपको आधार से जुड़े किसी डिटेल को बदलना है या अपडेट करना है तो जरूरी है कि आप UIDAI के साथ रजिस्टर एजेंसी के पास ही जाएं। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना आधार कार्ड और बायोमेट्रिक शेयर न करें। इस आसान प्रयोग से आप खुद को फ्रॉड से बचा सकते हैं।